हेलो गाइस, गुड इवनिंग। उर्मिला की दुनिया में आपकी स्वागत है। ये देखिए गाइस, आज हम आपको ये अप्पे बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए मैंने ये फेट के कर्ड रख लिया, दही और एक बाउल सूजी, हाफ बाउल बेसन और हाफ बाउल से कम कॉर्न पाउडर और ऑनियन, हरी धनिया, टमाटो, हरी मिर्च और अदरक, आमचूर पाउडर और इनो, एक चम्मच इनो लिया हमने। और जिसमें आप गाजर कद्दूकस करके डाल सकते हो। और मटर मैंने ले लिया है, ये सफल का, आप अभी ठंडियों में तो वैसे भी मिलता है। और जिसमें हमने मैं हींग डालूंगी, जीरा, अजवाइन थोड़ा डालूंगी और हमें उसके लिए थोड़ा घी चाहिए ब्रशिंग के लिए। ये मैंने सूजी डाल दिया और इसमें हाफ बाउल बेसन डाल दिया और कॉर्न पाउडर 1 से 1.5 चम्मच। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि अभी पहले थोड़ा फेंट लेंगे, क्योंकि अगर अभी पानी हम डाल देंगे तो गांठ पड़ सकता है। इसको थोड़ा अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के रख देंगे, क्योंकि थोड़ा सूजी है तो उसको पानी सोखने के लिए चाहिए। और ये हमने मटर डाल दिया, इसमें प्याज डाल दिया, अदरक कटा हुआ था अदरक डाल दिया मैंने, धनिया डाल दिया और ये हरी मिर्ची, आप लाल मिर्च खाते हो तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, और ये टमाटर मैंने डाल दिया और इसमें फिर इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया इसको, फिर इसमें स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं, आप क्वांटिटी कितनी है उस हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से डाल दिया और एक पिंच हींग डाल दिया मैंने। गाइस सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, और लाइक शेयर कर दिया कीजिए, जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए आपको कैसा लगा। और ये थोड़ा आमचूर पाउडर मैंने डाल दिया, वैसे मैंने दही डाला है खट्टेपन के लिए, आप अगर ज़्यादा खट्टा नहीं खाते हो तो आमचूर पाउडर स्किप कर सकते हैं। अभी मुझे पानी कम लग रहा है, थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा। आप देख लीजिए उसका कंसिस्टेंसी कैसा है, उसी हिसाब से आप थोड़ा पानी और डाल के, क्योंकि सूजी पानी सोखता है तो उसको थोड़ा सा आप थोड़ी देर फेंट के रखेंगे तो ऑब्जर्व करेगा सूजी पानी। गाइस कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह की रहेगी, ये ऐसी रहेगी, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं। गाइस इनो 1 चम्मच इनो मैंने लिया है, उसमें पानी डाल के थोड़ा घोल लेंगे, पानी डालने से मिक्स हो जाता है, तो ये इसमें लास्ट में मिक्स करेंगे इसको, क्योंकि पहले नहीं मिक्स कर सकते। इस तरह से हमने मिक्स कर दिया उसको और ये देखिए इसका कंसिस्टेंसी ये रही, ये ऐसा रहेगा, ये सूजी सारा पानी ऑब्जर्व कर लिया है और ये रहा। अब हम इसमें ऑयलिंग करके हमने रखा इसको, फिर इसमें हम 1-1 चम्मच
उसको भर देंगे और स्लो फ्लेम पे रखेंगे इसको। हमने तिल नहीं डाला है, अगर आपकी इच्छा तिल भी डाल सकते हो आप इसमें, इसके बीच में पहले तिल डाल के उसके ऊपर से ये पेस्ट आप डाल सकते हो। इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। मैंने लो फ्लेम पे रखा था गाइस, और फिर इसमें हल्का सा तेल मतलब ऊपर से भी घी डालेंगे आपकी इच्छा, अगर आप रिफाइंड डाल सकते हो, हमने घी डाला इसमें। और फिर इसको पलट देंगे, सभी में घी डाल के फिर इसको पलट के दोनों साइड में ये इस तरह से गैस इस तरह से पलट देंगे इसको दोनों साइड में। गाइस मैंने पलट दिया ये दूसरी साइड में, दूसरी साइड में भी पक जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये अभी हो गया है करीब करीब, और बस आपको सर्व कट में दिखाती हूँ। ये गाइस तैयार हो गया आप पे, ये मैंने चटनी पहले से बना के रखा था, और अगर आपको रेसिपी का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर मैं चटनी आपको बना के डालूँगी। और आप भी बनाइए और खाइए, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। थैंक यू गाइस।